दोस्तों मोटोरोला ने अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है प्रो सीरीज का एक छोटा भाई। मोटोरोला का जो 50 प्रो आता है उसी का छोटा भाई है मोटोरोला एज 50 फ्यूजन। और ये जो है ये प्रो सीरीज के नीचे आता है और इसमें भी काफी ज्यादा पावरफुल गेमिंग का सेटअप यहाँ पे दिया गया है। मतलब की जो प्रोसेसर है काफी तगड़ा इसमें दिया गया है, प्लस बाकी चीजों में ये स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट के जो कंपटीटर आते हैं उससे अच्छा यहाँ पे तगड़ी स्पेसिफिकेशन देता है, प्लस यहाँ पे अच्छा एक पावर सेटअप मतलब परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा सा गेमिंग सेटअप भी प्रोवाइड करता है। चलिए बताता हूँ इसकी डिटेल कैसा ये स्मार्टफोन है और किस तरीके का यहाँ पे होता है, इसकी प्राइस भी आखिर में डिस्कस करूंगा और ये अपने इंडिया में इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी आ चुकी, कब ये लॉन्च होने वाला है और कहाँ पर लॉन्च होगा ये भी आगे आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो डिजाइन में आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर कलर वाइज देखेंगे तो आपको तीन कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें पिंक कलर सबसे अच्छा और नया लुक देखने को मिलता है। और ये जो कलर है ये कोई भी कंपनी ऐसे देती नहीं है ये पिंक कलर, लेकिन इसमें आपको पिंक कलर मिलता है, बाकी कलर आपके ऊपर कौन सा खरीदना, लेकिन पिंक कलर काफी ज्यादा लाजवाब देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे अगर हम डिजाइन और बैक साइड में देखें तो आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और वहीं पे हमें नीचे साइड में मोटो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है वो आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसका डिस्प्ले जो लुक वगैरह काफी अच्छा है सारी चीजों में डिजाइन में भी, और जो सारे पोर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं वो तो अपनी पोजीशन पे दिए ही गए। वहीं अगर हम डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले में 6.7 इंच की पी ओलेड डिस्प्ले मतलब एमोलेड से भी ऊपर वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे HDR10 का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एकदम तकड़ी वाली स्पेसिफिकेशन दी गई है डिस्प्ले में, वो भी एमोलेड से भी ऊपर पी ओलेड डिस्प्ले। प्लस यहाँ पे 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, मतलब 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो कि एक काफी तगड़ा ब्राइट लेवल का, मतलब ब्राइटनेस में स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है काफी तगड़ा ब्राइट होता है। और डिस्प्ले जो बोलूँ ना टॉप नॉच दी गई है जो कि आपको 50-60 हज़ार के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, यहाँ पे डिस्प्ले जो है टॉप नॉच है, इसके टक्कर का डिस्प्ले जो है इस प्राइस पॉइंट में तो देखने को नहीं मिलता। वहीं इसमें प्रोसेसर भी काफी बढ़िया दिया गया है, जैसे कि स्नैपड्रैगन का 7 Gen 2 देखने को मिलता है और ये प्रोसेसर जो है काफी कमाल करता है गेमिंग के मामले, क्योंकि यहाँ पे 12 GB रैम का एक कॉम्बो मिलता है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस कोई कम नहीं होने वाला, कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे हमें 5000 mAh की बिग बैटरी प्लस यहाँ पे 68 W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा खासा तगड़ा सेटअप है इसमें, जो कि बैटरी भी है और प्लस परफॉर्मेंस भी इसमें तगड़ी दी गई। वहीं हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्लस डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, मतलब जो कि अच्छा खासा लाउड है, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, नेक्स्ट लेवल, ये कमाल का स्मार्टफोन होने वाला अगर ये 25,000 के आसपास आता है तो। वहीं हमें IP68 की रेटिंग मिल जाती है जो कि आपको एक वाटरप्रूफ वाला रेजिस्टेंट वाला IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको डस्ट वगैरह और वाटरप्रूफ जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत रहने वाला है स्मार्टफोन। वहीं अगर मैं बैक साइड के कैमरा सेटअप की बात करूं तो 50 MP प्लस 13 MP का सेटअप, मतलब दो डुअल कैमरा है बैक साइड में, जिसमें 50 MP जो मेन कैमरा है उसमें OIS देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से आप मक्खन वीडियो अच्छी खासी सोशल मीडिया की वीडियो बना सकते हैं, सोशल मीडिया की तरीके की अपलोड करने की, इसमें स्टेबलाइजेशन इनबिल्ट दिया गया है। वहीं जो 13 MP का ये है ये माइक्रो का भी काम करता है, प्लस ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है इस वजह से माइक्रो का भी काम करता है। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 4K में आपको 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, टॉप नॉच है और अच्छा खासा सेटअप दिया गया है। वहीं फ्रंट में आपको 32 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके में कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ में 5G के 15 5G बैंड मिलते हैं, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें इतने ज्यादा 5G के बैंड मिलते नहीं, तो सारी कंपनियां 7-8-9 बैंड ही देती हैं, इसमें आपको 15 5G के बैंड देखने को मिलते हैं। मतलब मोटो तो कमाल कर रहा है ऐसे, जो इस प्राइस पॉइंट पे जो स्मार्टफोन निकाल रहा है ना मोटो के टक्कर में, तो मैं किसी भी मतलब ना पोको आएगा ना रेडमी आएगा ना सैमसंग ओप्पो कुछ नहीं इसके आगे मेरे हिसाब से तो ये है। और वहीं पे आपको कैरियर एग्रीगेशन भी मिलता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी काफी तगड़ी हो जाए, यहीं ब्लूटूथ वाईफाई ये सारे टॉप नॉच देखने को मिलते हैं, जो 5.3 चल रहा है और वाईफाई का 6 वर्जन चल रहा है सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हमें ये एंड्रॉइड 14 के अंदर आता है, मतलब इसमें इनबिल्ट आपको एंड्रॉइड 14 मिलेगा। वहीं इसमें मोटोरोला ने कहा है कि 3 साल के बिग अपडेट मिलेंगे, वो भी 3 साल मतलब 14 चल रहा है 15, 16, 17 तक के आपको अपडेट मिलेंगे, मतलब 3 साल का एंड्रॉइड सिस्टम कमाल है क्या, कम प्राइस में इतनी सारी चीजें देना। और इसकी जो लॉन्च प्राइस है ये 16 मई को ये फ्लिपकार्ट में लॉन्च होगा, क्योंकि इसका टीजर फ्लिपकार्ट में आ चुका है और ये फ्लिपकार्ट में ही लॉन्च होने वाला है, तो 16 मई को आप तैयार रहे स्मार्टफोन खरीदने के लिए, बेस्ट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इसके टक्कर में कोई स्मार्टफोन नहीं कहूंगा अगर ये 25,000 प्राइस पॉइंट पे आता है। इसका प्राइस अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है और हमारे हिसाब से 25,000 के आसपास आता है, 25,000 में आएगा तो भाई नथिंग वथिंग कोई टक्कर में नहीं, आप चुपचाप इसे खरीद लेना, इसके टक्कर में कोई स्मार्टफोन नहीं बन रहा है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर इससे ज्यादा आता है 30,000 के आसपास आता है तो भी ये बेस्ट है, आप कंपैरिजन कर लेना, लेकिन जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तो इसकी एक फाइनल वीडियो एक और आएगी चैनल पे, जरूर देखें
और भी कई तरीके की वीडियो इसके डायरेक्ट रिव्यू जैसे कैमरा सेटअप रिव्यू, गेमिंग टेस्ट, ये सब आते ही है, तो वो जरूर देखें फिर इसको बाय करें। लेकिन स्मार्टफोन जो है काफ़ी तगड़ा है डिस्प्ले, कैमरा और ये सब चीज़ों में प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, कीप वॉचिंग माई वीडियो।